बिहार के कई जिलों में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे में कोरोना के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने आधा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटिहार सहित सूबे के 11 जिलों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और अस्पतालों में आईसीयू बढ़ाने का निर्देश दिया। वहीं कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि जिले में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने और हमेशा मास्क पहनने की अपील की। ये आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी कि वो कुछ जिलों में जो DCHC की व्यवस्था है उसका वर्चुअल अवलोकन करना चाहते हैं, तो इसमें कटिहार को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुल 11 जिलों को उन्होंने चुना था, तो हम लोगों ने कटिहार सदर अस्पताल में जो हमारा DCHC चल रहा है उसका उनको वर्चुअल टूर करवाया, प्लस यहाँ जो अभी तक कोविड के हालात हैं उनसे भी अवगत कराया गया उन्हें, और जहाँ तक मैंने देखा है वो संतुष्ट हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि आगे इस पर ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाहर से भी लोग कभी भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसको कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए। उनका जो आदेश है उसका पालन हम लोग अक्षरता करेंगे। फिलहाल कोविड की क्या स्थिति है कटिहार जिले में? अभी कोविड जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले 4-5 दिनों से ये अभी डाउन पर है, कटिहार में भी डाउन पर है। आज के दिन में एक्टिव केसेस की संख्या 2596 है, जिसमें कि अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में ही हैं, और जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि अभी तत्काल स्थिति अच्छी है, बट यही स्थिति अच्छी स्थिति बरकरार रहे उसके लिए सभी लोग को कठिन प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, हम लोग सभी उसके लिए तैयार। हालांकि आए दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 1000 से अधिक है, जिसे लोगों में दहशत का माहौल रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।